नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्या। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। सोमवार 21 जून से बीदर और गुलबर्गा समेत 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया बर्खास्त। लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियां खत्म। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने किया बड़ा ऐलान। कर्नाटक की पहली किसान रेल दिल्ली के लिए हुई रवाना। कोलार से सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना में लॉकडाउन समाप्त, 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। बीजेपी किसी के भी नाम पर लड़े चुनाव, जनता सत्ता से करेगी बेदखल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही यह बात। दुबई ने भारतीयों के लिए फिर से खोला द्वार। यात्रियों के लिए यूएई द्वारा स्वीकृत कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेना है अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ता काफी अहमियत रखता है, लेकिन माता पिता की हमारे जीवन में सबसे अलग जगह होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करती है जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी होती है, तो ठीक उसी तरह एक पिता भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है। पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है, जो 20 जून को यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन बच्चे अपने जीवन में पिता के महत्व, उनके आदर और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। इस दिन लोग अपने पिता को कई शुभकामना संदेश भी भेजकर उन्हें फादर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। आप भी इस फादर्स डे के अवसर पर अपने पिता के प्रति सम्मान प्रकट करें और खूब आशीर्वाद और दुआ लें। कर्नाटक सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि राज्य के 16 जिलों में सोमवार 21 जून से कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन को पूर्ण तौर पर बर्खास्त करते हुए लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि पाबंदियों में और ढील दी जाएगी। राज्य सरकार ने यह फैसला इन जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे आने के मद्देनजर किया। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, गत एक सप्ताह में राज्य के 16 जिलों में संक्रमण की दर 5% से कम रही, जबकि 13 जिलों में यह दर 5-10% के बीच रही। वहीं मैसूर जिले में संक्रमण की दर 10% से अधिक है। हमने कोविड-19 पर बनी तकनीकी सलाहकार समिति की सलाह और मंत्रिमंडल के सहयोगियों से चर्चा के बाद पाबंदियों में कुछ ढील देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि बेलगावी, मंड्या, कोप्पल, चिकबल्लापुर, तुमकुर, कोलार, बेंगलुरु शहर, गडक, रायचूर, बागलकोट, कलबुर्गी, हावेरी, रामनगर, यादगिर और बीदर वे 16 जिले हैं जहां पर संक्रमण दर 5% से कम है। इन जिलों में दुकानें सुबह से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। इन जिलों में बिना एसी के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिले में बस और मेट्रो सेवा भी 50% क्षमता से चलेंगी और मैदान में होने वाले खेलों को भी बिना दर्शकों के आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी कार्यालय भी 50% कर्मचारियों के साथ इन जिलों में खुलेंगे। लॉज, रिजॉर्ट और जिम भी बिना एसी के 50% क्षमता से खुल सकेंगे। बता दें, कर्नाटक में कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लॉकडाउन लागू किया गया था। 14 जून से 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था। येदियुरप्पा ने स्पष्ट किया है कि 13 जिलों जहां पर संक्रमण दर 5-10% के बीच है, वहां पर 11 जून को जारी पाबंदियां लागू रहेंगी। इनमें हासन, उड़पी, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा, चामराजनगर, चिकमंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, दावणगेरे, कोडगु, धारवाड़, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और विजयपुरा शामिल हैं। वहीं मैसूरु में सख्त पाबंदी लागू रहेगी। कर्नाटक की पहली किसान रेल कोलार क्षेत्र से 250 टन आम लेकर शनिवार को दिल्ली के लिए रवाना हुई। कोलार से सांसद मणि स्वामी ने एक सादे समारोह में कोलार जिले के दोदंत हॉल स्टेशन में नई दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रेलवे ने उत्पादन केंद्रों को बाजार केंद्रों से जोड़कर कृषि क्षेत्र की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में किसान रेल सेवाएं शुरू की हैं। इसके बावजूद किसान विभिन्न प्रकार की मानक सब्जी, फूल और फलों की फसल उगाते हैं। इन फसलों का सही दाम पाने के लिए जरूरी है कि इनका आसानी से परिवहन किया जाए।
तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। राज्य में कोरोना मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जबकि कोरोना से संबंधित स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तेलंगाना में स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान 1 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। राज्य कैबिनेट ने छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति दी है। आज की कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई से शैक्षणिक संस्थान खोलने और कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोरोना को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने जनता को कोरोना से सुरक्षित रहने की सलाह दी और लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। कैबिनेट को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने का भी निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें राज्य में लॉकडाउन को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद आज 20 जून से सालार संग्रहालय को जनता के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। संग्रहालय में वस्तुओं को देखने के लिए देश भर से लोग यहां आते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सालार जंग संग्रहालय की स्थापना 7वें मीर उस्मान अली खान बहादुर के मंत्री सालार जंग ने की थी। सालार जंग संग्रहालय में मूल्यवान कलाकृतियों के अलावा पांडुलिपियों के साथ साथ सालार जंग 1 और सालार जंग 3 द्वारा एकत्र की गई कई महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, जिन्हें देखने देश और विदेश से हजारों लोग आते हैं। महाराष्ट्र के जालना जिले में एक इस्पात विनिर्माण इकाई में शनिवार को विस्फोट होने से 10 श्रमिक घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र में स्थित सपाशृंगी स्टील मिल के एक बॉयलर फट गया और गर्म पिघला हुआ लोहा श्रमिकों पर गिर गया। पुलिस उप निरीक्षक प्रमोद बोंडले ने बताया कि 4 श्रमिकों को जालना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 6 अन्य को औरंगाबाद ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रबंधक के खिलाफ कथित लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया है और इस सिलसिले में जाँच की जा रही है। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री डॉक्टर मणिकंदन को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। वो पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहे थे। मणिकंदन पर मलेशिया की एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया है। सूचना के अनुसार बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से वो फरार चल रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लिहाजा वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एक्ट्रेस भारतीय मूल की मलेशियाई की नागरिक है। डॉक्टर मणिकंदन पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण का आरोप लगा है। महिला के मुताबिक साल 2017 से मणिकंदन से उनके संबंध थे। इसी दौरान उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। आरोपों के मुताबिक मणिकंदन ने इस महिला से शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसने इनकार कर दिया। 36 साल की एक्ट्रेस ने मणिकंदन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चाहे जिस चेहरे पर चुनाव लड़े, लेकिन जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। पूर्व मुख्यमंत्री सैफे में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करने जा रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी चुनाव से पूर्व किए गए किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाए। जनता भाजपा से यह जानना चाहती है कि पिछले संकल्प पत्र में उन्होंने जो वायदे किए थे उनको पूरा क्यों नहीं किया। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। हेलो, हाँ, अरे मेरी बातचीत हो गई यार खान साहब से, लेकिन बार बार फोन करने का मकसद ही नहीं है। छोड़ दो, तुम्हें कोई सर्वर नंबर मालूम है? हाँ भाई, हमारे पास 6 से 6 है, सब पीसफुल है। मैं करता हूँ। अरे भाई, कौन सी न्यूज़ जेन्यून है, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ नहीं है, कौन सी न्यूज़ पुरानी है, समझ में नहीं आ रहा। एक पे बता रहा 30 जने को मारे, एक पे बता रहा 15 जनों को मारे, क्या है सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा। हजार कंधों में नहीं जाना। केपी न्यूज़ 24x7 हिंदी चैनल है। सीधा उसके ऊपर डाउनलोड करो, उसके बाद देखो पल पल की खबर आपको मिल जाती। अब भी डाउनलोड कर लेता हूँ। पहले सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। यस, आप लोग भी केपी न्यूज़ 24x7 हिंदी न्यूज चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, अप टू डेट रहिए, जल्दी कीजिए।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयास खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयास खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयास खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयास खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है, ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24x7। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है, आइए देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट रविवार सुबह 12 बजे के करीब भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रविवार दोपहर नई दिल्ली के निकट रिक्टर पैमाने पर 2.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली से 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 12:02 सतह से 7 किलोमीटर की गहराई में आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का कहना है कि दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप का यह झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.1 थी। चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लगातार कहा जा रहा है कि हालात नहीं सुधरे तो देश जल्द ही इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं देश में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट के बारे में आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर काम करने के लिए कई देशों की सरकारें कतराती रही हैं। इस बीच भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों में 6 से अधिक राज्यों में मृत्यु के आंकड़ों में भारी विसंगति की ओर इशारा करने के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे में कहा है कि सभी कोरोना वायरस मौतों को कोविड की मौतों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। केंद्र ने बीती देर रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस नियम का पालन नहीं करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का भी वादा किया। अब तक केवल अस्पतालों में हुई कोविड रोगियों की मृत्यु को कोविड से हुई मौत माना जाता था। यहाँ तक कि घर पर आइसोलेशन में हो या अस्पताल में पार्किंग अथवा गेट पर होने वाली मौतों को कोविड से मौत नहीं गिना जाता था। इस वजह से लाखों में हुई मृत्यु के आंकड़ों में विसंगतियां थी। मुंबई में वैक्सीनेशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया और बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर रमेश दारानी भी इसके शिकार हुए। हाल ही में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले 356 कर्मचारियों का वैक्सीनेशन करवाया था। बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर रमेश दारानी टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। उन्होंने 30 मई और 3 जून को करीब 365 कर्मचारियों को वैक्सीनेट कराया था। हालांकि इनमें से किसी को भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिसके बाद रमेश दारानी परेशान है। इस मुद्दे पर प्रोड्यूसर ने बयान भी जारी किया है। राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश व विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा। उधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है। दुबई ने भारत समेत अन्य कई देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। हालांकि ऐसे लोगों के लिए यूएई द्वारा स्वीकृत कोविड-19 टीके की दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। गल्फ न्यूज की खबर के मुताबिक दुबई में संकट व आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल में संशोधन की घोषणा की है। इस समिति की अगुवाई शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन रशीद मखतूम करते हैं।
एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शेरनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। विद्या बालन के दमदार एक्टिंग की चर्चा एक बार फिर से हो रही है। इस बीच फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने एक्ट्रेस की फिल्म को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। हाल ही में KRK ने सलमान खान के फिल्म राधे एक बार कमेंट किया था, अब वो विद्या बालन से पंगा लेने का मूड बना रहे हैं। कमाल आर खान ने ट्वीट कर विद्या बालन की फिल्म शेरनी को छोटी फिल्म बताया। यही नहीं, कई मामलों में KRK ने फिल्म का मजाक भी उड़ाया। उन्होंने लिखा, कई लोग मुझसे फिल्म शेरनी की समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, कृपया ध्यान दें, मैं ऐसी छोटी फिल्में नहीं देखता हूं और न ही उनकी समीक्षा करता हूं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार 21 जून से बीदर और गुलबर्गा समेत 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया बर्खास्त। लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियां खत्म, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने किया बड़ा ऐलान। कर्नाटक की पहली किसान रेल दिल्ली के लिए हुई रवाना, कोलार से सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना में लॉकडाउन समाप्त, 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। असम में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का फायदा, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। बीजेपी किसी के भी नाम पर लड़े चुनाव, जनता सत्ता से करेगी बेदखल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही यह बात। दुबई ने भारतीयों के लिए फिर से खोला द्वार, यात्रियों के लिए UAE द्वारा स्वीकृत COVID-19 टीके की दोनों खुराक लेना है अनिवार्य। KP न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।